बहराडी गांव में महिलाओं ने प्राकृतिक राखी त्योहार मनाया और पेड़ों को राखी बांधकर देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक अनुराधा शुक्ला मौजूद थी। इस दौरान महिलाओं ने पेड़ों की आरती उतारी, फिर पूजा अर्चना कर राखी बांधी और सभी ने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। प्राकृतिक राखी त्योहार में महिलाओं के साथ छात्रों ने भी भागीदारी निभाई और छात्रों ने भी पेड़ों को राखी बांधी, साथ ही समाज को संदेश देने की कोशिश हुई कि सभी पर्यावरण का संरक्षण करें ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे और मानव जीवन को लाभ मिले। बहराडी गांव की महिलाओं के द्वारा पिछले साल भी पेड़ों को राखी बांध कर राखी त्यौहार मनाया गया था, जिसके बाद इस कार्य को लोगों ने सराहना की थी। इस परिपाटी को इस साल भी महिलाओं ने जारी रखी। राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर ने कहा कि बहराडी गांव की महिलाओं ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और आज प्राकृतिक राखी त्यौहार मनाकर महिलाओं ने पर्यावरण बचाने के लिए बड़ा संदेश दिया है। ग्राम बहराडी की ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ उनको कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य वो करते रहें। आज मुझे भी बहराडी की महिलाओं ने आमंत्रित किया है और यहाँ आकर हम सब ने वृक्ष को राखी बांधा है और रक्षाबंधन का पावन पुनीत त्यौहार में जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर ये मांगती हैं कि भविष्य में उसका भाई उसकी सुरक्षा करेगा। तो आज हम लोगों ने पेड़ को अपना भाई माना है और भाई मानकर उसको राखी बांधकर हम ये कहते हैं कि भविष्य में पेड़ की कटाई नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा भाई है, और कटाई नहीं होगी तो शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। तो मैं यहाँ की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी जो यहाँ की ग्राम बहराडी की महिलाएं हैं, ये गांव में ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद भी आज उनकी जो अनूठी पहल है कि वृक्ष को राखी बांधकर उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया है, विश्व को संदेश दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो वृक्षों की कटाई बंद करें और वृक्षों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह उसकी देखभाल करें, सेवा करें। मेरे गांव गोद ग्राम बहराडी को किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसने विश्व में अपना एक अलग नाम जगह बना ली है, जो कि यहाँ जो एनजीओ ग्रुप है, बसवराज सर है, रामाधर देवांगन जी है, दीनदयाल भैया हैं, और यहाँ जितनी भी महिला समूह हैं, और आज हमारे बीच हमारी शशिकांता दीदी, अनुराधा दीदी सब आए हैं। इन सभी के सहयोग से आज सभी महिलाओं ने मिलकर राखी के एक दिन पहले हमने रक्षाबंधन पर्व प्रकृति के साथ मनाया है, क्योंकि प्रकृति का जो पिछले दो वर्षों में हमने जो भोगा है कोरोना के चलते, सांस की तकलीफ से, ऑक्सीजन की तकलीफ जो हमने भोगा है, आज हम सभी को ये संदेश देते हैं कि अगर हमको सांस लेना है तो हम सब वृक्षों की हिफाजत करनी हमको ज़रूरी है। जिस प्रकार हम अपने भाई की सलामती की प्रार्थना के लिए राखी बांधते हैं, जीवन भर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हम वृक्षों को भी राखी बांध रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति वृक्षों को नुकसान न पहुंचाए। इन जीवनदायिनी वृक्षों के चलते आज हम सांस ले पा रहे हैं। तो हम सभी महिला समूहों का यही आज सोच था कि सलाह दे सके कि हमें आगे बढ़ के इन वृक्षों को सहेजना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके, और राखी बांध कर हम इनकी हिफाजत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमारे बहराडी गांव में आज हमने जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के दिवस में हमने जो रक्षाबंधन मनाए हवन, और हमारे महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन एक अनोखी राखी बनाए हमें, साग सब्जी की राखी बनाए हैं, जल हमन का फिर गृहिणी मन सब्जी बना के फेंक देते हैं, डंठल ला कोई यूज में नहीं ला, उन वेस्टेज चीज ला आज बेस्ट बना के मन काम करें हमें। हमारी भाजी के रेसा, कमल के डंडी के रेसा, केला के रेसा से मन राखी बनाए हवें, जे हमार एक छत्तीसगढ़ में पूरा एक नवाचार है। जे अभी राखी तो विभिन्न प्रकार के बना है लेकिन इतना अनूठी राखी नहीं बनाए हमें, है ना। तो हम आज 10 अगस्त हमन पर्यावरण ला अपन भाई समझ के हमन जो राखी पहनाए हैं, पूजा पाठ तिलक लगा करके, और 11 अगस्त के भी मनाबो, लेकिन ओकर ले पहले एक तो पर्यावरण प्राकृतिक ला हमने एक तो संदेश देहन कि पर्यावरण बचाओ, एला मत काटाओ, अपन एक तो नया रिश्ता जोड़े हमन ओकर से प्राकृतिक से हमन वृक्ष राखी बांध के, कि
कोई भी अपन भाई ला राखी पहना थन तो ओकर लंबी उम्र के लिए ही पहना थन कि रक्षाबंधन एक ठो रक्षा के सूत्र है, ओकर लंबी उम्र की कामना करथन। ठीक वैसे ही हमन वृक्ष के लंबी उम्र की कामना करे हमन, ओकर से जब पर्यावरण रही तब हमन जीवित रह पाबो, ऑक्सीजन की कमी के पूर्ति हुई है ना, तो ये सब चीज से बचे बर हमन प्राकृतिक पर्यावरण दिवस के रूप में रक्षाबंधन के त्यौहार मनाए हमन। धरती माता की जय, और हरियर छत्तीसगढ़ की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।